करते हैं बिना कोई फर्दर डिले करते हुए। तो चलिए यहाँ पे, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में हाउ टू बिकम क्रिकेटर के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्सल ये आया है अमेजोन की तरफ से, और मैंने परचेस किया था 3-4 दिन पहले ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर तो बहुत जल्दी, मतलब बोल सकते हो बहुत फास्ट डिलीवरी बोल सकते हैं अमेजोन की। और देख सकते हो पार्सल पे amazon.in है, आप देख सकते हो। और तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको खोलेंगे और फिर बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों मैं इसका रिव्यू 1 महीने बाद दूंगा यूज़ करने के बाद, अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और बताऊँगा इसका क्या खासियत है। तो यार देखो, पैकिंग की बात करें तो एकदम बहुत सड़ा हुआ, बहुत भद्दा पैकिंग है यहाँ पे अमेजोन का तरफ से। देखिए, अगर आपको कोई भी शू लेनी पड़ती है तो आपका वो अलग से एक होता है भरा हुआ, वो है नहीं। तो बट चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको फाड़ना। तो ये रहा चाकू यार, मतलब अभी आ गया मेरे पास अचानक। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं, एक्चुअली चाकू की ज़रूरत ना पड़े तो सही होती, बट चलो इधर से काट रहा हूँ। ये कट ही रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट हो जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कटने में प्रॉब्लम है बट वो सब हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई ना, यहाँ पे कट गया है, थोड़ा सा बाकी है बस, बस हमारा प्यारा शू निकलने वाला है। ये मेरा पहला शू है जिसको मैंने परचेस किया क्रिकेट के लिए। और दोस्तों ये है शूज़, और बेसिकली यार ये शूज़ की क्वालिटी अच्छी है बट पैकेजिंग जैसे मैंने पहले कहा अच्छी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। और ये शूज़ है वेक्टर एक्स, इसको भी काटना पड़ेगा शायद, लग रहा है इतना समय ज़ाया ना करते हुए मैं काटूँगा डायरेक्ट। और ये रहा दोस्तों शूज़ की जो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यार बहुत ज़्यादा आपको मजबूती नहीं मिलती है, क्योंकि लेकिन जैसा प्राइस है उसके हिसाब से बढ़िया शूज़ बोल सकते हैं। आप देख सकते हो शूज़ को ध्यान से, ये कुछ ऐसा है वेक्टर, यहाँ पे इसका जो लोगो लगा हुआ है वेक्टर एंड वेक्टर एक्स TM। और तो ये स्टड्स हैं, रबर स्टड्स है, और यार ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे कि आपको इतने कम प्राइस में बढ़िया स्टड्स। और ये देखिए फ्लेक्सिबल भी है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है बट जितना होना चाहिए आप प्राइस के हिसाब से वैसा ठीक है। और ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको लेस मिल जाते हैं, और ये कुछ ऐसा लेस है तो देख सकते हो ये वाइट कलर पे ये हो गया वाइट कलर जैसे मैंने बताया। और बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने पहले कहा उतनी भी ज़्यादा मजबूत नहीं है बट वर्थ प्राइस बोल सकते हैं। दोस्तों ये ब्लू कलर का ऊपर से, और यहाँ पे नीचे में भी ये जो है सीट जिसको मतलब कि बेस बोल सकते हैं, बेस भी दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बात किया बेस, और दोस्तों बेस जो है वो ब्लू कलर से है, ब्लू वायलेट कलर से है। और थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा बट वो पहनने के साथ हो जाएगा सही। और बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो ये बिल्ड क्वालिटी जो है ये उतनी खास नहीं है लेकिन कह सकते हैं अच्छी है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे, देखिए ये बढ़िया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइज़ 8 है, तो देख सकते हो आप ये 8 साइज़ है। और उसके बाद बात कर लेते हैं पीछे भी यहाँ पे इसका, और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीछे में भी लोग हैं वेक्टर ब्लास्टर और वेक्टर एक्स है ब्लास्टर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 42x8 एंड, तो बेसिकली दोस्तों ओवरऑल ये मैं बोल सकता हूँ शूज़ क्वालिटी के हिसाब से एवरेज मैं बताना चाहूँगा, इसको रेटिंग में दे सकता हूँ 3-3.5 क्योंकि उतनी भी खास नहीं है। बट अगर आप बेसिकली बेगिनर हो तो आप ख़रीद सकते हो, तो
बस दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अगर आप ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल हुआ तो लाइक करना मेरी इस वीडियो को, और कमेंट करना कि आपको अगर आपके पास वेक्टर शूज़ हैं तो वो कौन से मॉडल का है, और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।